तो यो पावला गैंग कैसे फिर गाइस, आज मैं दिखाऊंगा आपको ये जो नई वाली टैंक आई अपनी फ्लेयर गन से वो। तो अगर देख लो ये है अपनी टैंक, मेरे को फ्लेयर गन मिली थी जॉर्ज पोल में। मैं शुरू से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करना था इस मैच में, मैं बस फिर वहाँ पर गया था। मैंने फ्लेयर गन मिली, मैंने सोचा फिर ड्रॉप मंगाएंगे, नई वाली गन आएगी तो देखेंगे। मैंने सोचा यार क्या ड्रॉप में तो अलग गन भी आ सकती हूँ, नई वाली जो शॉट गन आई है ड्रॉप में वो भी ना हो सकती है। फिर मैंने सोचा चलो जोन के बाहर हूँ, ये BDMR या क्या नाम है इसका, BDMR 2 ही है शायद, आई थिंक इसको मंगा लेते हैं। और मैंने इसको मंगाया तो फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करने के नहीं सोचा था, मेरे दोस्त ने बोला रिकॉर्डिंग कर ले, फिर उनको याद आया हाँ रिकॉर्डिंग कर ले तो यूट्यूब का काम आ जाएगा। तो देखो गाइस ये है अपनी BDMR 2 जो काफ़ी धीरे धीरे से ऊपर चढ़ती है, पर ठीक है स्पीड 70-80 की स्पीड पर गाइस चलती है। पर आपको कहीं पर क्लाइंबिंग कर रहे हो तब तो फिर रहने दो, इस गाड़ी को उठाना ही मत क्योंकि हद से ज़्यादा घटिया है क्लाइंबिंग के लिए। बताओ बूस्ट पे मैंने अभी क्लाइंबिंग की थी इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 के स्पीड पे, ये ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो अभी बस पूरे देखो मैं यहीं पे बस गाड़ी को दौड़ाऊँगा पूरे चारों तरफ, फिर वहाँ मिलूँगा आपको जहाँ पे मतलब पानी होगा, और मैं यहाँ से अभी गाइस को पानी में ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं वहाँ पर। तो गाइस मैं आ गया लेके पानी में, इसे देखो ये कुछ ऐसे है पानी में। फिर मैंने इसको लिया, चलाया नहीं कि सोचा, फिर मैंने इसको मोड़ लिया क्योंकि इसकी स्पीड देख के तो मैं ये समझ गया था कि कोई बंदा अगर दौड़ के भी जा रहा होगा ना तो इससे तेज़ी चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको मोड़ लिया वापस। और मैं भूल गया कि बूस्ट नाम की भी चीज़ होती है गाइस। इसमें गाड़ी में आपको दो दिक्कत मिलेंगी, एक सबसे बड़ी दिक्कत कि आप अंदर से बैठ के बाहर नहीं मार सके, चलो वो भी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है। और एक दिक्कत जो गाइस देखो ये है इसकी, इसकी स्पीड क्लाइंबिंग पे बहुत स्लो हो जाती है हद से ज़्यादा। और तीसरी दिक्कत गाइस जो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, इसमें हॉर्न नहीं है यार, ये है गाइस सीन। अभी गाइस मिलता हूँ आपको मेल्टा में। तो बूम ये पहुँच गया था मेल्टा, तो यहाँ पे मेरे को एक बग्गी दिखी जो कि स्पॉन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, देख के पता ही चल रहा था कि कितने खड़ी की। और मेरे को यहाँ पे हल्के से एकदम ना बराबर के फुटप्रिंट आ गए, मतलब फुटप्रिंट के आवाज़ आ गए, फुटप्रिंट के नहीं। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी उसको दिखाने के लिए, मैंने सोचा क्या मारना, चलो यार टीम अप करते हैं इससे, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ कर तो भी मज़े ले लियो। क्योंकि गाइस एकदम अपडेट हो आने के बाद का ही गेम प्ले अपडेट कर, मतलब सुबह 8:30 भी अपडेट आया वैसे करके ही मैंने इसको, हाँ गाइस अपडेट करा था 8:30 बजे पर मैं खेल से 12:15 बजे रहा हूँ, पर छोड़ो जो भी हो वह मतलब उसके बाद ही मिला था। उसके बाद मेरा फर्स्ट गेम प्ले था ये अपडेट के बाद, जो कि मतलब मेरे को मिल गई फ्लेगर में खुश हो गया। और गाइस यहाँ पे वो बंदे को मैंने फिर सोचा चलो कुछ मार ही देते, कुछ ज़्यादा ही अटैक के मूड में था वो, मैंने से नेट फेंका जो कि एकदम नामुमकिन था लगना क्योंकि इतनी दूरी थी। और मैं आ गया ये ट्रिपल स्टोरी में, यहाँ पे मेरे को एक फ्री फंड का फर्स्ट एड मिल गया जो कि मुझे को नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मैंने एक रैंडम मॉली किया ताकि वो हो सके तो हट जाए और गेट टूट के मेरे को थोड़ा एंगल मिला, पर वो बंदा गेट पे ही टीपी पी ले रहा था सोचो, वो जल के वहाँ ख़त्म हो गया। यो फ्लेम अंजीत यू किल विद अ फ्लेम, फ्लेम अंजीत को गाइस हमने फ्लेम से ही मार दिया। तो अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे गाइस मैं उस बंदे को लूटा 1.5-2 घंटे तक, फिर मैंने अपना मतलब 3-4 घंटे में एक पेट्रोल ढूंढा जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं मिला, और फिर 7 घंटे बर्बाद करने के बाद मैं चल दिया आगे। ये बग्गी देख के मेरे को अभी हंसी आई थी, बंदे ने सोचो कि ऐसे खड़ी करूँगा स्पॉन है, पर उस बेचारे को हो नहीं पाया। फिर गाइस मैंने लिया मेल्टा के बीच में, फिर मैंने देखा स्पॉन बन गया, यार रहन दो यहाँ पे तो क्या करना। मैंने यहाँ से वेयर हाउस के यहाँ से मोड़ लिया इसे, अभी देखना गाइस यहाँ पे क्या सीन होगा, बहुत अच्छा सीन होगा, बहुत अच्छा, क्या जिसके साथ वो उसके लिए बहुत बुरा होगा, यही होता है गाइस। यार इसमें स्पीड देनी चाहिए थी गाइस, ये मतलब क्लाइंबिंग नहीं कर पाता मेरे को बिल्कुल भी, ये बड़ा देख के मेरे को बड़ा बुरा लगा। अभी सामने दिख गया था ड्रॉप में, इस पे जाने की कोशिश करता पर पीछे थे, फिर एक और बंदा आ गया बग्गी लेके, आवाज़ आई गई होगी आपको, वो देखो आ गया। मैंने सोचा चलो यार क्या मार रहे हैं इसको भी गाड़ी दिखाते हैं अपनी, आजा तू भी मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। पर वो देखो गाइस वहाँ से एक और यही टैंक आ गई, मैं तो ऐसे कहा BDMR की जगह टैंक बोलूँगा, मस्त लगी पर मेरे को यार, पर स्पीड थोड़ी और ज़्यादा देनी चाहिए गाइस इसमें। देखो यार ये अभी क्या सीन हो रहा है, दो टैंक और एक बीच में बग्गी, बग्गी वाला इसका मौके का फ़ायदा उठा के निकल लेता है यहाँ से। देखो मैंने इसका पीछे लगाया, फिर मैंने सोचा यार क्या है बग्गी को कहाँ हरा पाएगी ये, फिर वैसे यहाँ से मतलब कुछ ज़्यादा ही छुट्टी सर का फैन बन रहा था, पर यहाँ क्या आके मैंने ठोक दी।
वो बंदा भी देखो आके गाइस मेरे सामने ही रुका, और अभी देखना क्या होगा। मैं गया, मैं कूदा गाड़ी से, उसको लगा उसने ध्यान नहीं दिया, मैं कूद गई, उसको लगा मैं अभी गाड़ी में ही हूँ और ये मर गया। इसने सोचा कि मैं गाड़ी में ही हूँ अभी भी। ये होता है गाइस, अगर आप गाड़ी में चला रहे हो तो स्पीड थोड़ी स्लो करके कूद जाया करो, फिर मार दिया करो। मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आप मतलब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। गाइस मैंने अपनी BDMR छोड़ी, टैंक सॉरी टैंक छोड़ी, और ये वाली टैंक उठा ली क्योंकि वो तो पूरे धुआं निकल गया उसका। फिर मैंने थोड़ा मतलब लेट लाट के इसको लूटूंगा अभी। लूटो फ्री का माल है, लूटो लूटो रे। गाइस मैंने फिर चल दिया आगे। ओह या आई लाइक इट गाइस। क्या बोलते हो इसको, डाचिया की जगह, या फिर अगर वो थ्री व्हीलर जो है हमारी, थ्री वाली बाइक डाचिया की जगह तो नहीं, अगर थ्री व्हीलर की जगह गाइस रिप्लेस करते तो कैसे रहता, नीचे कमेंट में बताना। जो थ्री सीट वाली बाइक है उसके जगह पे अगर इसे रिप्लेस करते तो कैसा रहता, मज़ा आ जाता फिर तो कतई। और गाइस ये है हमारे साथ, अभी दुर्घटना होते होते बच गई, और ये देख सकते हो टैंक ने हमारे पास दिया। शीशो गंदा। और यहाँ पे गाइस मेरे को वो जो बग्गी वाला आया था ना, उसके जाने के हल्के से साउंड आ गए थे बग्गी के, वो लेके भाग लिया था। पर हुआ ये कि मेरे को सामने ड्रॉप दिख गया और लालच आ गया, और मैं चल दिया ड्रॉप पे। गाइस अभी आप इस गाड़ी के पावर देखना, ये एकदम ड्रॉप से ठुक के ड्रॉप को पूरा ही पलट देगा। मतलब कोई गाड़ी ऐसा नहीं कर पाती कि वो ड्रॉप को पलट दे, पर ये देखना गाइस पूरी ड्रॉप को ही पलट देगी। वो भी ज़्यादा की स्पीड पे भी नहीं थी गाइस, देखो पूरी ड्रॉप ही पलट गई। और यहाँ पे मैंने ले लिया अपना फेवरेट घीली सूट, मैं भी ओम चलाने के मूड में नहीं था गाइस। मैंने सोचा एक बार लेता हूँ, फिर मैं अटक गया यहाँ पे। फिर मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, अभी ओम की किस्मत नहीं है मेरे साथ। हाँ फिर मैंने पैन फेंक दिया, क्योंकि गाइस मैं लास्ट चक्कर में पैन हमेशा फेंक देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से बहुत जगह होता है कि मतलब दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से अभी मेरे पे शूट हुआ गंदा वाला, वो देखो वहाँ पे गाइस किसी ने मॉली फेंका किसी पे, जो कि बिल्कुल नाकाम रहा। और फिर मेरे पे एक और नेड भी आया जो मेरे पे नहीं, वहीं पे फूट गया। और अभी गाइस एक मेरे पे एक नेड आता है जो कि मैं देख के भाग लिया वहाँ से, और मेरी पावर अच्छी खासी चली गई इस नेड से। मैं वहाँ रहता तो पूरा डेड हो जाता और बंदे के मज़े आ जाते। मैंने अभी सोचा कि हमका मैं हम भी तीन चार स्मोक बम डाल देंगे, नेड स्मोक बम। ओ ये अगर पर देखना वो बंदा स्मोक, देखना गाइस यहाँ से बंदे के साथ क्या होता है। मेरी गन चली गई रिलोड पर, बंदा मेरे को उससे आराम से मार सकता था, पर बंदा साइड हट गया। बताओ ग्रोजा लेके उसने ऐसी हरकत कर दी, और हमने इसको क्या ख़त्म कर दिया। और अभी गाइस फिर से पबजी के एक दो ग्लिच दिखाऊंगा, देखो ये मेरा होने वाला है। में मैंने हल्का सा लीवर क्या बढ़ा दिया, ये कैंसिल ही हो गया पूरा। यार ऐसे पबजी यार ऐसे ग्लिच मत करा करो। आज सुबह भी ऐसे मतलब आज शाम को मैंने एक ऐसा गेम प्ले खेला, मैं शाम को भी ऐसे खेल रहा, सुबह खेला था मैंने अभी एक गेम खेला था, उसमें यार मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी गाड़ी ऐसी पलटी और मेरी पूरी, मैं पूरा ही मर गया, और गाड़ी भी फट गई। बताओ गाड़ी पलटने से ही पूरी फट गई और मैं मर गया। ये हो गया अभी मैंने फिर यहाँ से, मेरे को देखा एटेक्स मिल गया, फिर मैंने ओम लिया और फिर लेके चल दिया आगे। देख ही सकते हो अभी ओम लेंगे हम, ओम रे ओम। ठीक है मेरे को चलानी तो आती नहीं है, पर मैं ले जरूर लेता हूँ। ठीक है माला यार उठाते जाओ, कहाँ जा रहा है। ऑमलेट के बाद हम बैठे हैं गाड़ी में, ये देखो सामने जा रही है, पर रिवर्स में जरूर ठीक हो गई गाड़ी। इसके ऊपर ये लगता है किसी बड़े वाले डॉग ने पैर रख दिया था, उसके डॉग के फुटप्रिंट बन गए। पर बीच वाला एक पैर उंगली नहीं थी उसकी गाड़ी, इसलिए तीन उंगली नहीं है, वरना पूरा डॉग का ही फुटप्रिंट लगता। और गाय यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही दुखद घटना होने वाली है, हमें अपने इस BDMR यानी टैंक को यहाँ अलविदा कहना पड़ेगा गाय, क्योंकि इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। आ ला 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 अलविदा ला 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 टू डू डू टू डू डू। अगर यहाँ देख सकते हो वहाँ पे एक बंदा आपको दिखा होगा, अभी वहाँ पे वीडियो पॉज करके देखना, वो घर के ऊपर बैठा था, वो लाल वाले घर के अंदर क्या कहते हैं उसको, स्क्वाड हाउस के ऊपर, और वो गाइस तब से लेके अभी तक वहीं पे वो बैठा ही हुआ है, देख सकते हो वो रहा। और जाते समय वीडियो पॉज करके देख लेना, उस टाइम के थोड़ा पीछे करके देखो आप, बंदा कितना बड़ा अजीब सा नूब टाइप का है। ये देखो यहीं कहीं पे, और पता नहीं गाइस आजकल सोलो में क्या हो गया, हर बंदा मतलब आपको लॉबी में जो दिखेगा वो सब दौड़ते हुए दिखेंगे, वो भी नंगे। पता नहीं यार क्या हो गया लोगों को। तो अभी बस लास्ट का बंदा बचाया गया, उसको भी ढूंढते गाड़ी दौड़ा के। और ये रहा गाइस दिख गया हमें, ये लेटा पड़ा है यहीं पे, देखो डला पड़ा है। वो देखो उठा महान, मेरा एक्टिव बटन दबाने को ज़्यादा लास्ट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो में गाड़ी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।